देखो, एक साइंटिस्ट थे एडवर्ड जेनर, जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीन के बारे में बताया। पुराने ज़माने में क्या होता था, लोगों को स्मॉल पॉक्स नाम का डिजीज़ हुआ करता था, काउ पॉक्स हुआ करता था, है ना। इसका मतलब वो बीमारी सब जो है वायरस के कारण हुआ करता था। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा स्टडी करने का काम जो है एडवर्ड जेनर ने किया, और एडवर्ड जेनर ने इसका वैक्सीन तैयार कर लिया। उन्होंने सबसे पहले, आज जो वैक्सीन बाज़ार में मिलता है, मार्केट में मिलता है, उस सबका प्रिंसिपल जो है मेनली सबसे पहले उन्होंने ही स्टार्ट करने का काम किया था। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि जो भी काउपॉक्स हुआ करता था पहले, काउपॉक्स काऊ में हुआ करता था, मतलब गाय में होने वाला एक बीमारी था काउपॉक्स। अब हुआ क्या कि गाय के अंदर इन्फेक्शन होता था, अब उससे इंसान के अंदर वो इन्फेक्शन फैल जाता था। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने स्टडी किया। साइंटिस्ट का नाम एडवर्ड जेनर। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने स्टडी किया। उसके बाद वो एक रिजल्ट पे पहुँचे कि जिसको काउपॉक्स हो जाता था उसको स्मॉल पॉक्स दोबारा नहीं होता था, है ना। तो यही चीज़ को उन्होंने काफ़ी अपना स्ट्रेंथ बनाया और इसको लेके आगे बढ़ा। उन्होंने कई सारे ऐसे व्यक्तियों को काउपॉक्स करवाया, मतलब उसका इन्फेक्शन, है ना, उसको ज़बरदस्ती दिया गया, काउपॉक्स हो गया। क्योंकि काउपॉक्स का वायरस अगर किसी आदमी को हम इंजेक्ट कर देंगे तो उसको भी क्या हो जाएगा, बीमारी, नाम क्या होगा, काउपॉक्स। और काउपॉक्स की खास बात ये थी कि ये होने के बाद ठीक हो जाता था, लेकिन जिस व्यक्ति को स्मॉल पॉक्स होता था तो उसमें से बहुत सारे व्यक्ति मर जाया करते थे, है ना। लेकिन अगर किसी को पहले काउपॉक्स हो गया और वो ठीक हो गया, उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ करता था। तो इसी चीज़ को वो स्ट्रेंथ बना के उन्होंने क्या किया, है ना, लोगों को, है ना, जानबूझ करके उसको काउपॉक्स का वायरस दिया। जब काउपॉक्स का वायरस दिया उसको तो काउपॉक्स बीमारी हुआ, और फिर उसका इलाज किया गया तो काउपॉक्स तो ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद जब उसको स्मॉल पॉक्स का वायरस का इन्फेक्शन करवाया गया तो उसका इन्फेक्शन उसको नहीं हुआ, है ना। तो इससे ये चीज़ समझ आता है कि जिस व्यक्ति को अगर काउपॉक्स हो गया तो उसके बॉडी में एक एंटीबायोटिक्स बन जाता है, मतलब एंटीबॉडी बन जाता है। फिर वो एंटीबॉडी से क्या होता है कि दूसरे वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता है। काउपॉक्स का वायरस और स्मॉल पॉक्स का वायरस दोनों काफ़ी रिलेटेड होता है, सेम होता है, सेम टाइप का होता है, एग्जैक्ट सेम तो नहीं कह सकते बट सेम टाइप का होता है। जिसकी वजह से क्या हुआ, उसके बॉडी के अंदर क्या बना था, उस व्यक्ति के बॉडी के अंदर एंटीबॉडी, है ना, जिससे स्मॉल पॉक्स का वायरस उसको, है ना, इन्फेक्ट नहीं कर पाया। यही मेन प्रिंसिपल है। एडवर्ड जेनर ने इसी चीज़ को डिस्कवर किया था, और इसी के प्रिंसिपल पर आज जो वैक्सीन बनता है वो सारा का सारा क्या रहता है, मेनली इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। देखो, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस में क्या होता है, बॉडी में इंजेक्शन दिया जाता है। उस इंजेक्शन में एक्चुअली होता क्या है, उसमें कोरोना वायरस होता है, मतलब डेड या कह सकते हो काफ़ी वीक वायरस रहता है, ठीक है, जिससे वो बॉडी में जाएगा बट वो बॉडी को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, बॉडी में इन्फेक्शन उससे नहीं होगा। परंतु बट होता क्या है, उसके अगेंस्ट में हमारा बॉडी तैयार हो जाता है कि अरे ऐसा अगर वायरस आएगा तो उसको, है ना, उसके विरोध में हथियार सब तैयार कर लेना चाहिए, मतलब एंटीबॉडी बना लेना चाहिए कि अगर कहीं रियल वाला अटैक करे तो उस समय हमको वो क्षति ना पहुंचा सके, है ना। जब बना बनाया सब कुछ रहेगा तो वो आके यहाँ पर लड़ाई जीत नहीं सकता है, ठीक है। फाइनली उसको क्या किया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा।